गाइस, आज हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का बड़ा इजी सा सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं, और वो प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग। थिंकिंग जितनी फायदेमंद है उतनी ही नुकसानदायक है आपकी ओवरथिंकिंग। आपने सुना होगा कि विचार आपके लिए सबसे खतरनाक हो सकते हैं, और विचार ही आपके लिए दुनिया की सबसे फायदेमंद चीज हो सकती है। लेकिन अगर विचार बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाए, ये अब दिमाग में आया, फिर दूसरा पॉइंट दिमाग में आया, फिर ये हुआ, फिर वो होगा तो क्या होगा, फिर ये होगा तो क्या होगा, एग्जाम में पास हो गया या फेल हो जाऊंगा, नंबर इतने आए तो क्या होगा, नौकरी चली गई तो क्या होगा, प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या होगा, रात दिन इतनी चीजें दिमाग में आपके चल रहे हैं, तो ये आपको नुकसान ही पहुंचाने वाली है। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा लिखा गया, अलग अलग किताबों में बहुत सॉल्यूशन दिए जाते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक सरल सा उपाय बताने जा रहा हूं, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% आपकी ओवरथिंकिंग शायद आपकी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। आपने देखा होगा बच्चों कि जैसे अगर आपका एग्जाम आने जा रहा है, तो एग्जाम के कुछ घंटों पहले आपके स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही एग्जाम आया, एग्जाम होने के बाद आपका दिमाग रिलैक्स फील करता है। हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह है, कंप्यूटर में जितने ज्यादा टास्क आते हैं, जितना ज्यादा उसकी मेमोरी पर लोड आता है, उतना वो हैंग होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इंसान है, तो क्या करा जाए? अब आपने इस एग्जाम्पल से देखा, एग्जाम में लिखने के बाद आपका दिमाग रिलैक्स में आ गया, रेस्ट में आ गया। अब बिल्कुल अगर आप ऐसा ही करें, जितनी दिन पूरे दिन आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चली, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया है, अच्छे बुरे, आपको क्या करना है, रात के टाइम उन पूरे आइडियाज को लिखते जाना है। और आप कहेंगे सर हम तो भूल जाते हैं क्या क्या सोच रहे हैं, तो साथ साथ दिन में 2-3 बार जो आपके आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे, लिखते जाओ लिखते जाओ। अच्छे बुरे आइडियाज जब आप लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि 98% जो मेरे दिमाग में विचार आ रहे थे वो वर्स्ट थे, उनको काट दो, ठीक है, और उन पर टिक लगाओ जो अच्छे विचार थे। जब आप 5-6 दिन तक ऐसा करते रहोगे, तो आपका दिमाग ही, जब आप उसी वर्स्ट विचार को सोचने की कोशिश करोगे, आपका दिमाग ही उस बात से आपको हटा देगा कि यार इसको लिखना है फिर काटना है, इससे अच्छा कि मैं इसे एक्सेप्ट ही ना करूं, मैं इस पे प्रोसेस ही ना करूं, और आपके दिमाग में अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे, और कम क्वांटिटी में, क्योंकि आपके दिमाग को आपने ड्यूटी दे दी कि अब तुझे ये जो भी चीजें सोच रहा है उसको शाम को लिखना भी है, और उनपे फिर आपको फीडबैक भी लेना है कि कौन सही था कौन गलत था। तो इस तरीके के रिव्यू से आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो ओवर थिंकिंग है, गारंटेड देता हूं, उसमें बहुत रिलैक्स मिलेगा, और ये आपकी नेगेटिव एनर्जी अब पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी।